सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए राक्षस राज भस्मासुर की कथा को लेकर आई हूँ, जिसने कई वर्ष की कठोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ से अमृतत्व की तरह वरदान प्राप्त किया था। आज हम जानेंगे किस प्रकार भगवान विष्णु के कारण अंत हुआ भस्मासुर का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस कथा को। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता था। अंत में भोलेनाथ उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमृतत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिवजी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शंकर भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ ही रहा था, तब मोहिनी उनके सामने प्रकट होती हैं। उनकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी जवाब में कहती हैं कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेंगी जो उनकी तरह नृत्य कला में प्रवीण होगा। अब भस्मासुर को नृत्य तो आता ही नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। उसने मोहिनी से कहा, क्या तुम मुझे नृत्य सिखाओगी? मोहिनी तुरंत उसे सिखाने के लिए तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा और उसी के देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूल गया और अपना ही हाथ अपने सिर के ऊपर रख बैठा और खुद ही जलकर भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हुआ और राक्षस राज भस्मासुर का भी अंत हुआ, जिसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व जानकारी को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।